दोस्तों YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्टार्टिंग में लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है लेकिन नहीं रख पाते, क्योंकि भाई हर किसी के पास इतना अमाउंट नहीं होता कि भाई उसको एक अलग से कंटेंट राइटर मिले या ग्राफिक डिज़ाइनर मिले या वीडियो एडिटर मिले या कैमरा पर्सन मिले। ठीक है, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, भाई मेरे साथ भी ऐसा होता है दोस्तों। मतलब जब स्टार्टिंग में हमारा यूट्यूब चैनल हम शुरू करते हैं तो हमें ना सारे काम खुद करने पड़ते हैं। हमें स्क्रिप्ट लिखने के लिए कंटेंट राइटर हमें खुद बनना पड़ता है, हमें कैमरा चलाने के लिए कैमरा पर्सन बनना पड़ता है, और हमें ग्राफिक्स के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर खुद से बनना पड़ता है, हमें वीडियो के लिए वीडियो एडिटर खुद से बनना पड़ता है। तो हमें ये सब चीज़ें मल्टीपल्स लेवल के जो वर्क है हमें खुद करने पड़ते हैं, जो एक यूट्यूब चैनल चलाने के लिए लगभग 4 से 5 लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें वो खुद करना पड़ता है। आई होप आपने भी किया होगा, और जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनकी भी शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ यूट्यूबर्स की जर्नी के बारे में आपको मैं बताऊँगा जिन्होंने इतनी मेहनत करी है और आज कहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा महात्मा जी टेक्निकल का, जो जिनको मैं अपना मेंटोर भी मानता हूँ भाई। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनके वीडियो से भी और पर्सनली भी मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है भाई, महात्मा जी टेक्निकल से। और मैं जब वो मुझे अपने बारे में बताते थे, वो यही कहते थे कि भाई स्टार्टिंग में मैं खुद ही लगा रहता था, और किसी ये सब जो मेरे को यूट्यूब वगैरह में जो मैं आया था, मुझे किसी मेरे स्टूडेंट ने ही बताया था कि आप यूट्यूब पर भी पढ़ा सकते हो। मतलब वो ऑफलाइन पढ़ाते थे बेसिकली, ठीक है। तो उनके किसी स्टूडेंट ने बताया कि आप ये जो आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हो सर, ये आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते, ठीक है। तो जब वो उन्होंने शुरुआत करी अपनी, फिर यूट्यूब धीरे धीरे वो यूट्यूब पर आए। 2016-17 में वो यूट्यूब पर आए थे और उन्होंने बहुत मेहनत करी अकेले ही। उन्होंने जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, जब किसी का स्टार्टअप होता है तो सारे 4-5 चीज़ें हमें खुद ही करनी पड़ती है, वो चाहे फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, या फिर कंटेंट राइटर हो, या फिर कैमरा पर्सन हो, हमें खुद ही बनना पड़ता है हर चीज़। तो आज उन्होंने इतनी मेहनत कर ली है, 4 से 5 साल उन्होंने लगातार इतनी मेहनत कर ली जब वो अकेले थे। उसके बाद फिर एक उनका स्टूडेंट आया उनके पास चाहने वाला, जिसने उनके साथ मेहनत करी और भी फिर इसी तरह बहुत सारे साथी जुड़ते चले गए। मैं भी कुछ टाइम के लिए उनके पास चला गया था, फिर मैं आ गया था वहाँ से, ठीक है। तो मतलब इसी तरह कर करके उन्होंने आज बहुत अच्छी अपनी एक टीम बना ली, अपना एक अच्छा स्टूडियो बना लिया। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ कंसिस्टेंसी से, ये पॉसिबल हुआ हार्ड वर्किंग से, ये पॉसिबल हुआ लोगों के नेगेटिव रिएक्शंस आते थे उन पर भी पॉजिटिव रिएक्शन देना, ये सब ऐसे पॉसिबल होता है। कोई हमारी वीडियो पर नेगेटिव कमेंट्स करता है, अरे भाई पहले अपना चैनल तो ग्रो कर ले, दूसरों का चैनल क्या ग्रो कराएगा, या पहले अपने व्यूज़ तो बढ़ा ले तो दूसरों के क्या व्यूज़ बढ़ाएगा, ये पहले तो अपना एडिटिंग तो सही कर ले, दूसरों की एडिटिंग क्या सही कराएगा। इस तरह की कमेंट्स आती हैं आपके पास लोग, इस तरह की कमेंट्स आती हैं भाई, और मेरे पास भी आती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन कमेंट्स को इग्नोर करना है और इनका एक पॉजिटिव वे में जवाब देना है कि थैंक यू सो मच, आपने कमेंट कर दिया बहुत अच्छी बात है, आपने एटलीस्ट चलो सोचा तो है कि चल एक वीडियो बना रहा ये जो बंदा है, चलो उसको कमेंट्स कर देते हैं। भाई आपकी कमेंट्स से हमारा एक कमेंट्स का जो नंबर है वो बढ़ गया यार, थैंक यू सो मच। एटलीस्ट आप कमेंट्स तो कर रहे हैं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो ये हम पर डिपेंड करता है, हमें उसको किस तरह से लेना है, चाहे नेगेटिव कमेंट्स हो या पॉजिटिव हो, हमें उसको दोनों को पॉजिटिव ही लेना है भाई। पॉजिटिव को तो पॉजिटिव लेना ही है, लेकिन जो नेगेटिव कमेंट्स लोग करते हैं उसको भी आपको पॉजिटिव लेना है। तो महात्मा जी टेक्निकल ने इतनी मेहनत करी है, आज उनका जो स्टूडियो है, मैं आपको कुछ टाइम के बाद उनका स्टूडियो भी दिखाऊंगा, इतना अल्टीमेट स्टूडियो बना लिया भाई उन्होंने। और कहीं ना कहीं अलग ही मोटिवेशन आती है उन सब चीज़ों को देख करके कि भाई एक अकेले इंसान ने शुरुआत की थी और आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, मतलब सोचने वाली बात। तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। अगर आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो पैशंस है, तो आप भी कर सकते हो भाई ये सब चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे टैक बर्नर की बात करूँ भाई, टैक बर्नर की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से हुई थी। हर चीज़ वो खुद करते थे, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग हो या कंटेंट राइटर हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो या ग्राफिक डिजाइनिंग हो। आज लेकिन उनकी टीम अगर देखोगे तो आप क्या अल्टीमेट है यार, क्या स्टूडियो बनाया उन्होंने, क्या ओपन स्टूडियो इतना जबरदस्त बना दिया भाई कि आप देखते रह जाओगे यार, खुद के ब्रांड्स लॉन्च कर दिए भाई क्लॉथ के अंदर। तो भाई जब ऐसे लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं एक यूट्यूबर का और नाम लेना चाहूँगा जिसका नाम मनोज है भाई। क्या मेहनत करी है यार उसने अपनी लाइफ में, कैसे मतलब उसकी पुरानी वीडियोस को जब मैं देखता हूँ तो मेरे को एक अंदर से इंस्पिरेशन मिलती है यार, जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, या आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, आप उनकी कभी पुरानी वीडियो देख लेना, आपको खुद ही मोटिवेशन मिल जाएगी कि भाई कैसे वो वीडियो बनाते थे, कैसे जीने में ट्राईपॉड रख करके वीडियो बनाते थे, और आज मतलब आज ऐसे हैं कि उनके पास 4-4, 5-5 लोग, 10-10 लोगों की टीम काम कर रही है। आज उनका सेटअप देखने में बहुत अच्छा लगता है, पहले कोई सेटअप ही नहीं था, पहले कहीं भी खड़े होकर के वीडियो बना लेते थे।
तो ये सब चीज़ें आपको भी करनी है भाई। अगर आपको भी अच्छा खासा अमाउंट कमाना है या आपको भी अपने सपने पूरे करने हैं, अब आपको भी आपके भी कुछ ड्रीम्स होंगे, अपने मम्मी पापा को लेकर के काफ़ी ड्रीम्स होंगे, या उनको खुश करना है, या आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको सही करने के लिए आपके बहुत बड़े बड़े सपने होंगे। आप भी चाहते होंगे यार मैं भी एक सेलिब्रिटी बनूँ, मुझसे भी लोग आकर के मिलें, मेरे साथ भी लोग सेल्फी लें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये चार लोग मेरे बारे में कहें कि भाई वो देख कल कहाँ था और आज कहाँ पहुँच गया। आप भी अगर जो इस तरह से चाहते हो तो भाई आपको और हमको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जा कर के हम भी, ये हमारे सारे के सारे जितने भी मैंने यूट्यूबर्स गिनवाए ये हमारे मेंटोर हैं भाई, हमें इनसे सीखना चाहिए, ठीक है, हम इनसे सीखते हैं भाई। मैं तो बहुत सीखता हूँ यार इन सब लोगों से। मैं हमेशा जब भी कोई वीडियो, जब मैं रिसर्च करता हूँ अपने वीडियो पे, तो मैं जब किसी भी टॉपिक्स पर रिसर्च करता हूँ मैं तीन चार यूट्यूबर्स को देखता हूँ कि हाँ भाई तीन चार यूट्यूबर्स ने क्या क्या बोला है अपने 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 वीडियोज़ के अंदर उसी सेम टॉपिक्स पर, तो मैं सबसे आइडियाज लेता हूँ भाई। ये सब मेरे मेंटोर हैं भाई। और एक है मेरे जुन्नू की टैक्स, जो मेरे छोटे भाई की तरह हैं और मुझे बहुत मानते हैं, वो बहुत अच्छा है यार। उन्होंने भी भाई 2017 से मेहनत करी है और आज 2021-22 में मतलब उन्होंने 1 मिलियन से प्लस सब्सक्राइबर्स कर लिए हैं और कहीं ना कहीं आपको एक वैल्यूबल कॉन्टेंट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपको, ठीक है। उन्होंने भी अकेले नहीं शुरुआत करी थी, आज उनके साथ भी एक टीम काम कर रही है भाई। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब पॉसिबल हुआ भाई हार्ड वर्किंग से, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से, ना कि नेगेटिव एटीट्यूड से। अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है तो दोस्तों आप भी कर सकते हो सब, मैं भी कर सकता हूँ। अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो ये पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है तो भाई आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आपको पीछे नहीं रहना है। अगर आपने ठान लिया कि भाई मेरे को एक यूट्यूबर बनना है, एक सेलिब्रिटी बनना है, मैं भी रेड कारपेट पे जाना चाहता हूँ, या मैं भी यूट्यूब के फैन फेस्ट में जाना चाहता हूँ, लोग मुझसे मिलें, लोग मुझसे पूछें कि भाई आपने कैसे ग्रो किया, और आपको जब आप बताओगे अपने बारे में कि भाई मैंने कैसे शुरुआत करी थी और आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ आप लोगों के प्यार की वजह से, तो आपको एक प्राउड फील होगा, आपका पेरेंट्स प्राउड फील होगा कि हाँ भाई हमने एक अच्छे बेटे को या अच्छी बेटी को हमने जन्म दिया है अपनी को। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। बहुत अगर आप इस तरह की, आप भी चाहते हो कि भाई एक अच्छे खासे अमाउंट कमाना, अमाउंट के साथ एक फेम कमाना, उसको देख लो भाई सौरभ जोशी को, आज के टाइम में कितनी हल्की सी उम्र में कितना फेमस हो गया भाई। उसको सारे सेलिब्रिटीज़ जानते हैं भाई, हर सेलिब्रिटीज़ उसकी वीडियोज़ देखते हैं। सुबह जब मॉर्निंग होती है लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसका व्लॉग देखते हैं कि आज उसने क्या किया है। लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि आज क्या कहाँ गया था, कहाँ के क्या क्या किया इसने। तो ये सब कैसे हुआ भाई? उसने हार्डवर्क किया, हार्डवर्क की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में भले ही हमें खुद करना पड़ जाए, हमें स्क्रिप्ट खुद लिखनी पड़ जाए, हमें वीडियो एडिट खुद करनी पड़ जाए, ग्राफिक डिज़ाइनर हमें खुद बनना पड़ जाए, लेकिन जब आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर लोगे तो आपको ये सब चीज़ों के लिए एक टीम होगी आपको काम करने के लिए, आपको गाइड करेगी टीम, आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक अलग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक अलग बंदा होगा, कंटेंट राइटर का एक अलग बंदा होगा, वीडियो एडिटर का एक अलग बंदा होगा, कैमरा पर्सन आपका एक अलग होगा, ठीक है, आप मैनेजर अलग होगा जो उसकी टीम को मैनेज करेगा। तो भाई ये सब चीज़ होंगी लेकिन आपके हार्डवर्क की वजह से ये पॉसिबल होगा। अगर आप हार्डवर्क करोगे तो ये पॉसिबल है, नहीं तो भाई 1000 चैनल्स खुलते हैं, लोग लाखों चैनल्स खुलते हैं, लेकिन जो आप ठान के आए हैं, जो अपने मन को बना के आए हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, वही लोग सक्सेस हो पाते हैं यूट्यूब के अंदर। बाकी जिन्होंने सिर्फ एक दूसरे को देख करके चैनल्स बनाए हैं कि यार वो अच्छा खासा कमा रहा है, भाई एक दूसरे से इंस्पायर हो लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हो कि जिसको आप कर सकते हो उस वर्क को, तभी मजा आता है भाई काम करने में। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।